जिनको पेट की समस्या है, कब्ज की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, जिनको डिस्क प्रॉब्लम है या भाई घुटनों की दिक्कत है, साइटिका पेन है, सर्वाइकल है, उन सब का बिल्कुल अच्छा तरीके से इलाज हो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो पहलवानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए स्पेशल भस्म भी डाली जाती है। बैठ जाओ, थोड़ा बहुत बिंदु बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं, सारी चीज़ बताऊँगा, बैठ जाओ, हाँ हो जाओ, खड़े हो जाओ। ए ताऊजी सही बताना आपने, इब खड़े हो ना आप, इब दर्द बताओ कित है, दर्द बताओ कित है, दर्द को नहीं ना, अरे नहीं दर्द होया करता, यू पां ठाऊंगा आज तेरा लग रहा तो, लो ये पैर खाओ, सही है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके साइनस के घने सारे मरीज बैठे थे भी यहाँ पे, साइनस नज़ला से पहला स्टेप है भाई साहब, साइनस एलर्जी है, नज़ला होता है 24 के 24 घंटे, साइनस होते कुछ टाइम होगी कुछ टाइम पीछे, कितने का लग गए पीछे तो नाम मात्र लग गए जी, अरे और जगह गए हो, और जगह तो बतेरे लग गए, यहाँ पे नाम मात्र लग गए, नाम मात्र तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम भाई बागखेड़ा गांव में आ रहा हूँ, मंदी भाई साहब हमारे साथ है, भाई साहब राम राम। नमस्ते भाई साहब, राम राम सभी साथियों को, आपके चैनल वाले सभी साथियों को भाई आज जोड़कर राम राम मंदीप की तरफ। तो मैं हूँ मंदीप, भाई साहब हैं, एक मास्टर जी हैं, एक अभी अभी आए हैं, एक और हमारे पीछे बैठे हैं ताऊ जी, भाई सारे मरीज हैं, मैं भी मरीज की डाला रहा हूँ, तो एक बारी यो नब्ज चेक करा करें, नब्ज देख दो जी कौन सा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो सभी आपने ठीक लग गया, मैं जब खाली पेट नहीं हूँ, खाली पेट 12 बज रहे हैं अभी, कुकर आऊँ मैं ना, जैसे पानी पी के फ्रेश होकर के खाली पेट आओगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एग्जैक्ट बीमारी बताओ। नहीं एग्जैक्ट भी बताऊंगे, जैसे अब ये आए थे पिछली वर्ष हुआ गांव से हैं, अभी खाली पेट आ रहे हो जी आप, अभी नहीं आ रहे, अभी तो ऐसा तो दवाई लेने आए होंगे या किसी ने जैसे दिखाना आए होंगे, तो जैसे इनका बहुत ज़्यादा समस्या थी कमर में, तो इनको खाली पेट देखा था और इन्हें बहुत जगह दिखा भी लिया था। ओके, तो मैं इनसे बात कर लूँ, राम जी कहाँ से हो आप? सिवाय थे। हाँ जी। अच्छा, इनके पास जब आप आए, इन्होंने नब्ज चेक करी थी? हाँ जी, लग गया ठीक, बताया था तुक्का लग गया था, तुक्का क्यों, मेरे तो बैठे कौन जाओ था, बीमारी क्या थी आपको? मेरा कमर में झटके लग रही है, कमर में झटके लग रहे हैं। हाँ। तो 3 साल हो गए। हाँ। पहले और भी कितने गए हो? गया हूँ मंडी आ रहा है, मंडी में कोई बात नहीं, मंडी कई जगह जा रहे हो आप? हाँ मंडी में भी सरड है भी। अच्छा अच्छा अच्छा, कई जगह जा रहे हो, छोड़ो आप क्या ना किसी का नाम लेवा थे, इनसे कितनी कौन सी मुलाकात है यार? जी तीसरी मुलाकात है। कितना आराम हुआ है दो मुलाकात है पहले? पूरा आराम है जी, 90% है, थोड़ा हदर दरे है, बड़ा थोड़ा हरे क्या। और इन दो मुलाकात, तीसरी मुलाकात है, पीछे कितने का लग गए इंदुर आया? मतलब पीछे तो नाम मात्र लग गए जी। अरे और जगह गए हो? और जगह तो बतेरे लग गए, यहाँ पे नाम मात्र लग गए? नाम मात्र। संतुष्टि कितनी है इनसे? पूरी संतुष्टि है, मतलब ठीक हो जाऊंगा, मतलब। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा इनके पास आप आए, पहले भी मेरे घर से आए हो? हाँ, मैं अपने छोटे भाई हैं आचार्य जी। अच्छा जी। गाँव में आ रहे थे, मैं राम राम करते चल पड़ा आचार्य जी ने, और दिखा लें को बता दें हमने जीवन का तरीका क्या है, मैं कैसे आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी। इनकी बात में कितना का अपने बहुत आयुर्वेद के अनुसार और शास्त्रार्थ बिल्कुल सही बात है इनकी, और वो हमने जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे हम ताकि भाई अपना जीवन को स्वस्थ जी इसका। आपका भी जी थी कि मैं तकलीफ? आज पहली बार आए मेरे साथ आए। अच्छा आप ले गए, खाली पेट आ रहे, कुक करा रहे हो आप? हाँ, सवेरे खाए रखी है, सवेरे खाए दिल निकल दे। अच्छा क्या तकलीफ, आगे बात देख के बताओ जी। पहले इतने टेस्ट ले लेंगे फिर करिए बात। हाँ पहले भाई टेस्ट होगा। हाँ तो आ जाओ जी, आ जाओ, मैं मेरी कमर तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले है जी ज्यादा दर्द हो आप दिखा लो पहले। लो जी आपका एग्जाम होगा पहले, तो बैठो जी, बैठो। अच्छा बता दो बताऊंगे। हाँ
लगभग इन्होंने भाई साहब ज्वाइन किया, जो एक्सरे की जो भी रिपोर्ट है मतलब जो भी है निका जो इनका कुल्ला है ना, कोई नहीं जी देख लिया मैंने, इनका जो कुल्ला है ना उसमें तो कोई पुराना तो पुराना फ्रैक्चर है, अब की दिक्कत नहीं है, लगभग यूं मान कर चलो 2-2.5 महीने अंदाजा है फ्रैक्चर, पहले कुछ नहीं था ये भी ना हो गया। अब जो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग है नहीं इसका अनुसार मैं इसने बता रहा हूँ, दूसरा एक बार आप लेट जाओ पेट कवर, हाँ जी इस साइड में सर कर लो, इस साइड में पैर कर लो, ये तो कैल्शियम की गोली खा हुआ है, आदमी गाना ठीक हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, कैल्शियम लेटो लेटो करते हैं मैं जी नुकसान कैल्शियम की गोली ना, देखेंगे जी क्या है आथन, पीछा करो जी पीछा करो, कोई नहीं आप ढूंढ देंगे, मोड़ दो इसने, मोड़ दो ये नू मोड़ दो, ना झटका नहीं मारेंगे जी, झटका तो आज तक मैंने किसी का भी नहीं मारा है, बस याड़े रोक दे इसने, ये नू ये रोके रखो, एक भाई दर्द न देखियो जी आपका न कित है बाबूजी, आदत खड़ा हुआ जब मेरा पटावा आदत, हाँ हाँ कोई नहीं, एक बार दुख है ईब देखो, ईब कौन है दुखदा, ईब कौन दुखदा, बैठ जाओ थोड़ा बहुत भी दुखदा, बैठ जाओ कोई नहीं सारी चीज बताऊंगा, बैठ जाओ, हाँ हो जाओ खड़े हो जाओ, ए ताऊ जी सही बताना आपने, इब खड़े हो ना आप, इब दर्द बताओ कित है, दर्द बताओ कित है, दर्द को नहीं ना, अरे नहीं दर्द होया करता, यू पां ठाऊंगा जब तेरा लग गया तो लो, ये पैर खाओ सही है, सही है ज्ञान है कि नहीं है, ठीक लग गई, हां ये ठीक लग गया बच्चा, चा चाड़ा हो गया भाई, तो बैठ जा ज्ञान है, ज्ञान मिले तो तुरंत ठीक हो जी, तो आप अपना तजर्बा भाई इस नस्ता याद नस्ता है, नंबर देवाना 10 में दे, 10 में तो 100 के 100 दे, 100 के 100 में तो 100 के 100, हाँ मतलब बढ़िया लगे आपने है ना, बढ़िया मेरे लिए तो बढ़िया, भगवान ने बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अब नु बता दो समस्या क्या थी भाई साहब, देखो जो भी इनकी रिपोर्ट है ना इसमें इसके अनुसार, क्योंकि जो मैंने ये जो देखा है ना इनका एक्सरे, अड़का फुड़का इनका जो भी है झटका बन रहा था के था, मतलब जो भी इसने कह सका, हाँ कुल्ली में तो सिस्टम चालू हो रहा है इनका, पड़े थे ठीक है पड़े थे, तो उसमें मतलब सिस्टम चालू होगा ना, नरव दब जाती है, और या ईब की वाई बात हो जाए, जैसे तुरंत प्रभाव था पढ़ाया आदमी होगा उसमें, और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क मिल सके आपने, ठीक है। अरे ये बात जैसे कि विन को जैसे एक्यूप्रेशर दबाया है, बहुत सारे लोग हैं नहीं, यू एक्यूप्रेशर जो मैंने यू एक्यूप्रेशर दिया है विन को, उस नब्ज पर सीधा अटैक जाओगा, उस पर अटैक जाओगा तो ब्लड का सर्कुलर सिस्टम चलेगा, वो चलेगा तो आदमी ठीक हो जाओगा। पहली बात तो यह है कि इस संस्थान पर कभी भी किसी को भी झटका नहीं लगाया गया आज तक, झटका नहीं मारता मैं किसी को, ना ना बिल्कुल भी, बिल्कुल भी था भाई ये झटका मारता हूँ मैं नहीं जाऊँगा, आज तक ना कोई भी व्यक्ति है कि युवा का कह देना आपका माध्यम पे या मीडिया का माध्यम पे भाई इसने मेरा झटका मारा, कोई भी व्यक्ति मतलब बहुत सारे है लिस्ट है भाई साहब, देखो कितने मरीज यहाँ आकर ना देख कर जाओगे, देखिए कितने हैं, एक तो यू है भाई साहब इस तरह पे लड़ा है, एक एक यू है रजिस्टर है ये देखो, ठीक है इस तरह दूसरा तीसरा भी है, ये भरे पड़े हैं, तीसरा वाला यूरा नीचे, मतलब एक मरीज नहीं बहुत सारे मरीज ठीक होकर न जा लिया, देखो ये अलग अलग एड्रेस है नी के,
और रही बात दूसरी की भाई साहब, जैसे कि औषधियाँ हैं, जैसे कि पारा है, शिलाजीत है, ठीक है, ये पारा प्योर हो, नीचे गिर गया, खुल रहा था, ये देखो ये पारा है प्योर, ये पकड़ा नहीं जाओगा भाई साहब, आप पकड़ कर दिखा दो, हाँ एक चीज जरूर हो है, ये जैसे पारा है नीचे गिर गया, इस ना पारा में लाओगे नहीं तुरंत प्रभाव होता, पारा आपस में मिल जाओगा, हाँ जी इकट्ठा हो जाओगा, यो ए यो ये जैसे पूरी बड़ी गांठ बन जाओगी पारे की आपस में, पारा में पारा मिल सके लेकिन यह कपड़ा में भी नहीं मिलेगी, ये आप देखने लग रहे हो इसमें, ये ठीक है, तो ये पारा है जैसे शिलाजीत है भाई साहब प्योर। अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आवे हैं, पहलवान भी आवे हैं, शिलाजीत भी डलवावे हैं भाई, भस्म भी डलवावे हैं, आवे हैं पहलवान भी आवे हैं, जैसे साइनस के रोगी भी बहुत सारे आवे हैं जिनको साइनस की एलर्जी है, नज़ला जुखाम खांसी है, और जैसे कमर दर्द है, घुटना का दर्द है भाई, सिर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या रहती है, या पेट का संबंधित कोई रोग है, जैसे पुराने से पुरानी कब्ज रहती है जिनको, जैसे कि सेक्स संबंधी भी रोग हैं जी। उनका भी यहाँ पर मतलब काफी अच्छे तरीके से इलाज है, इनकी समस्या ठीक होगी, आपकी समस्या ठीक होगी, जो पहले थे कुछ कैमरे में नहीं आना चाहते भाई, ये भी है मेरी जो कमर की समस्या है, और मतलब मेरे नू को नहीं भाई जमा सारा दिन है, लेकिन मेरे पर भड़कसी हो रही जिन कमर का दर्द कर तेरा शुरू हो जाए, आखिर में ऐसा टाइम आ जाए तो उठने बैठने का चोर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपकी भी देखेंगे कमर की समस्या ना, लेटो आप पेट कवर ले लिया एक बार ना, थोड़ा आज आप पहली बार आए हो, मिले हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये बाद में डलेगा भाई साहब, मैं ले नहीं हूँ, क्या चिंता कर रहे हो, वो तो सुनाई गए लूठा गाई पीछा करो या समस्या भाई साहब आपका, ना ना ये ना इस तरह है, राइट साइड में ये दर्द है आपका इस नस में, और इसका कारण कभी कभी पैर में नीचे तक भी दर्द जा सके, जिसने हम साइटी का पेन बोल दे वहाँ नस खिंचा है कई बार, हाँ वो नसें खिंचा कर है, जैसे कि नस दब जावा L4 L5 S1 में थे, जो वो दब जावा है तो उसका कारण भी यह समस्या नीचे तक पहुँच जावा है जी, तो इसमें भी जैसे कि वेन्स से भी आप ठीक कर सका, हाँ लेकिन इसमें एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, और कुछ जैसे दवाइयाँ हैं वह आपने दे देंगे ठीक हो जाओगे, आयुर्वेदिक और देसी दवाइयाँ, क्रिटिकल तो नहीं कुछ ना, इतना कोई खास नहीं है, यदि हम इसमें पूरा एक्टिवनेस तो ले होंगे तो बड़ी समस्या, मैंने कभी कुछ झटके थे कि मैं सोदा गुण उठाया भी ये होया क्यों, देखो कई बार क्या होगा कि झटके से उठाने की कोई जरूरत नहीं होती, झटके से उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कई बार क्या हुआ कि आदमी नीचे तो ना बहुत भारी भरकम चीज़ उठा दे, उसका तो कोई समस्या नहीं है, क्या पता खाली गिलास उठाने लाग जाओ ना, शरीर वहीं क्यों रुक जाओ, कई बार वो क्या था समस्या की भाई साहब, जैसे इसमें कई चीज़ें हैं, अब जैसे आप भी पत्रकारिता करो भाई, लंबा टाइम तक खड़ा होना पड़ जाओ है, या लंबा टाइम की कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है कि भाई आज यहाँ पर कल ना चंडीगढ़ हो, क्या पता 4-5 घंटे लंबा बैठना पड़ जाओ, तो सीटिंग का कारण भी हो जाती है समस्या, बैठने का गलत पोस्चर से भी हो जाती है, लेटने का पोस्चर से भी हो जाती है, कुछ लोग हैं जैसे कि आधा लेट गए आधे बैठे हुए हैं, इस तरीके से फ़ोन का यूज वगैरह कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उसका कारण भी हो सकता है, क्रिटिकल तो नहीं ना, ना कोई क्रिटिकल इतना खास नहीं है, मतलब खास नहीं कुछ तो है, कुछ तो देखो वेंस है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाओ तो नॉर्मली ठीक हो जाओगी, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ओके। तो भाई मैं तो आज यहाँ पे चौथी या पांचवी बार तो आया हूँ, 4 बार भाई साहब, चौथी बार आए हैं शायद, हाँ चौथी पांचवी बार,
मतलब दिन तो मैं वीडियो नहीं बनाता बिल्कुल भाई साहब। तो भाई देखो हमारे वैद्य जी मंदीप क्रांतिकारी जी असली में क्रांतिकारी आदमी है। पूरे यहाँ पे पोस्टर देखोगे आप, देखिए भाई एक बार पोस्टर, ये सारे देशभक्ति के पोस्टर हैं और पीछे अगर दिखावा तो पीछे भी पोस्टर है भाई सारे देशभक्ति के। ये हमारे मंदीप जी असली में क्रांतिकारी हैं और बीमारी आपने बतानी नहीं पड़ती, जो कर डॉक्टर तक जाकर बतावा हम ना भाई साहब। यदि खाली पेट है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने खुद का इलाज ही हम अपना आप ही। अब देखो मैं यूँ नहीं कहता, और कोई भी व्यक्ति अपना ये नहीं होता कि वह ज़मीर बेच के ना कि ये कोई मतलब कोई पैसे दे के थोड़ा बुला रखा था भी मैंने, अब आप बैठे थे तो ये आया है। अब दूसरी बात है भी एक सबूत के तौर पर है कि मतलब इसने है इसकी नाड़ियाँ देखी थी मैंने, आपने तो नहीं रोग बताया था भाई साहब, खुद बताया था और खुद इलाज करा। तो दूसरा व्यक्ति ना कि मेरी मतलब कोई अपनी बीमारी ये बता दी तू आई उठाने में देने में क्या दिक्कत आवे है, उसका रोग पकड़ो ना क्या है, कौन सी प्रकृति में है, क्यों है। अंग्रेजी डॉक्टर दूर जाओ तो दोनों को भाई बताओ क्या बीमारी है, सिम्टम के हिसाब से सिम्टम के हिसाब से केमिकल दे दे मैं। हाँ केमिकल ही कहेंगे ना उसने भाई साहब। अच्छा भी ले लो अंग्रेजी दवाई। लेकिन उसका जड़ पैवार होगा ना, अब हमने कोई इनको चीज की दवाई नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ नब्ज दवाई है, उससे तो इसको रिलैक्स फील हुआ है। तो व्यू देखियो हमारी दवाई के कमाल करेंगे इन पे। ठीक है तो भाई मैंने तो देखो यहाँ पे विश्वास है और पैसे ज्यादा नहीं लेंदे, यह बात मैंने मेरी तरफ से नहीं, बहुत सारे जो पेशेंट आए उनसे भी बात कर रखी है और आपसे भी पूछा है था मैंने। हाँ जी, तो नाम मात्र बाकी भाई एक दो जगह मैंने वीडियो बनाई थी, मैं क्या कर दे नाम मात्र ले हुए लेकिन पैसा भाई बहुत ज़्यादा ले, कंप्लेंट मेरे पास आई। अब मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ वीडियो बनाने खातर, सिर्फ कैमरे पे मैंने कह दे हम थोड़ी सी फीस ले वहाँ, और बाद में जब पेशेंट के फोन आओ ना भाई इसने तो लूट लिया, फिर भाई मन उब गया उड़े जानता है यड़े आऊँ हूँ और की दिया जानता नहीं भाई। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, संपर्क सूत्र तो जी मैं लिख भी दूंगा। अच्छा लिख भी दियो भाई साहब, कई बार ना जैसे कि एक दो साथी और आए पहले भाई हमारे पास फोन आवे हैं, अपना संपर्क सूत्र है 9650 34915। हाँ दूसरा नंबर है 9051 34915, गांव बाखेड़ा है, जिला जींद में पड़े है, तहसील सपीदो है, स्टेट हरियाणा है। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके साइनस के घने सारे मरीज बैठे थे भी यहाँ पे, साइनस हो नजला हो साइनस सब नजले में क्या साइनस से नजले से पहला स्टेप है भाई साहब, साइनस एलर्जी है, नजला होता 24 के 24 घंटे साइनस होते है, कुछ टाइम होगी कुछ टाइम ठीक होगी। और जैसे कि जिनको पेट की समस्या है, कब्ज की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, जिनको डिस प्रॉब्लम है या भाई घुटनों की दिक्कत है, साइटिक पेन है, सर्वाइकल है, उन सब का बिल्कुल अच्छा तरीके से इलाज हो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो पहलवानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए स्पेशल भस्म भी डाली जाती है पावर के लिए। चवनप्राश नहीं जी, जैसे स्वर्ण भस्म है, सोना भस्म है, चांदी भस्म है, प्रवाल पुष्टि की बात बात है चल रही है तो खैर बहुत बड़ी बात है। हाँ यदि भस्म भी यदि खिलाड़ी आते रहते हैं और डलवाओ भस्म। तो भाई आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें, बागखड़े का हमारा मनदीप क्रांतिकारी भाई अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में रह दे, जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं या जो ठीक नहीं हुए वे भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, पता लगे भाई हाँ कोई दिक्कत भी है, नहीं तो अभी तक मेरे पास सारे पॉजिटिव मैसेज हैं। आप भाई साहब देख लें आपका उस डाले। हाँ बिल्कुल उस डाले, देखो भाई साहब मेरी पत्नी जी है और साथ में हेल्प करे जाओ भाई, तो लिखकर दे दे हाँ कई इतनी इतनी चीज़ क्योंकि भी कोई जैसे मरीज आ गया उसने अटेंड करा तो साथ में दवाइयाँ कैंप के चाहिए। ओके देखो आप उस डाले। ओके 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 चलो भाई उस डाले देख ले भाई साहब का वाजियो छोटा सा बहुत बढ़िया सा मैं भी नाम जाऊँ। अच्छा ये क्या क्या कुछ नाम लग रहे हो आप अच्छा और ये क्या चीज रखी है लाल नाग केसर शतावरी मिर्च के चार साल आप देता है भाई या लेडीज की दिक्कत हो जो दवाई। अच्छा ओके तो मेरी दवाई कितनी रखी है, मेरी दवाई कहाँ रखे हैं जनाब
आपकी दवाई भाई साहब पीस कर तैयार कर रखी है। तैयार कर रखी है सबसे पहले जिनको जैसे कि कमर की समस्या होती रहे है और जॉइंट पेन की हो है उनकी हमने पहले ही जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार कर दिया है, जैसे पित्ता है, वात का है और नजले की है तैयार हुआ है दवाई, जैसे शुगर का भी पाउडर है। ओके जैसे दर्द की है, नशा की जो आपकी प्रॉब्लम है उसका साथ में जैसे जो जो औषधि है ये है, कोई वटी है वह देनी है, तो इसी प्रकार में जैसे ये है तो बता रहा था आपने जैसे स्वर्ण बसंत है जी, जैसे सफेद मूसड़ी है, कोच बीज है, सौगंधा है, तो भाई देखो इनकी पत्नी जी लग रहे हैं और क्योंकि एक माहौल बना है जब पति पत्नी एक काम जगह पर काम भी करे ना, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत थी, थोड़ा सा जब पति पत्नी एक दुकान में को क्लिनिक पर काम करे है तो कोई भी महिला आने से थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे, क्यों भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, देखो आज का दिन बहुत सारी समाज में खुशी लगी है, फिर उन सबको मतलब ये है कि भाई पति पत्नी है साथ में इकट्ठे भी हैं तो कोई भी जैसे महिला हो तो मेरे को भी फायदा मिले उनको भी फायदा मिले, फायदा ये मिले तो एक लेडीज अकेली भी आ जाओ तो साथ में मेरी पत्नी हो तो उसकी हेल्प मिल जाएगी, एक से मिले दो जाए तो भाई बहुत ज़्यादा फायदा है। और धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।